Hello students, good evening to all. I know you all are enjoying very much with your teachers because now the school is reopened and you have enjoyed a long duration of holidays that was of 2 years and 6 months. Yes, so अभी आप लोग enjoy कर रहे हो अपने teachers के साथ because school खुल गए हैं and हम यही उम्मीद करेंगे कि आप अपने academic adventure को enjoy करो. So after a long time I'm making this video just because of my examination I cannot able to make, but yesterday I got a message of one of my student that ma'am, our examination is near, please make a video on pronoun. So इसलिए आज का ये पूरा video मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसमें हम कवर करेंगे प्रोनाउन के बारे में. एंड प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं देन प्रोनाउन का मतलब तो हम सभी को पता है, एनीथिंग और एनी वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन, उसे हम प्रोनाउन कहेंगे. लेकिन जब बात आती है हमारे एग्जाम्पल्स पे या हमारे टाइप्स पे तब हम कहीं ना कहीं आकर अटक जाते हैं और ये मैक्सिमम बहुत सारे बच्चों को इसी चीज़ में कन्फ्यूजन होता है. तो इस कन्फ्यूजन को ओवरकम करने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. बिकॉज आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे देन जो भी एजुकेशनल वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल होगा. सो लर्न एंड हेल्प अदर्स इन लर्निंग. सो इसी के साथ स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश. सो हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन. सो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस द नेम ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट. ये तो हमें पता है बट पहले ये जानने की जरूरत है कि नाउन क्या चीज है. नाउन जो है, नाउन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सेंटेंस एंड नाउन डू अ लॉट ऑफ वर्क इन आवर सेंटेंस. वो कैसे? बिकॉज एवरी थिंग सराउंड्स अस, जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं उन सबको हम नाउन कहेंगे बिकॉज उन सभी का एक नाम है. एंड टू मेक अ सेंटेंस वी हैव टू टेक दोज नेम्स. सो दे फुलफिल द इम्पॉर्टेंट जॉब्स ऑफ एक्टिंग एज सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स. समटाइम दो अ नाउन नीड्स अ ब्रेक. होता है ना, हमें भी कई बार ब्रेक की ज़रूरत होती है. अगर आप लोगों को हफ्ते में एक दिन का ब्रेक ना मिले तब आपके लिए पढ़ाई वर्ल्ड की बिगेस्ट बोरिंग थिंग बन जाएगी. यस और नो? संडे को आप लोग एंजॉय करते हो अपने फैमिली के साथ, यू विल गो टू द मूवी थिएटर, यू विल गो टू द रेस्टोरेंट एंड यू हैव अ वेरी क्वालिटी टाइम विद योर पेरेंट्स एंड विद योर फैमिली, ये भी हम कह सकते हैं. तो वैसे ही नाउन को भी तो रेस्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो अपने छोटे भाई प्रोनाउन की हेल्प लेता है. और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है दैट इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो देन डेफिनेटली यू शुड हैव हर्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ दोज मैजिकल ब्रदर्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच. इफ़ यू हैवंट हर्ड देन गो टू द आई बटन एंड चेक द वीडियोज इन डिस्क्रिप्शन. बिलीव मी इट्स अ यूनिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो हम सबसे पहले ये जानेंगे दैट वॉट इज अ प्रोनाउन. सो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन इन सेंटेंस. जनरली स्पीकिंग प्रोनाउन अलाउ अस टू शॉर्टन आवर सेंटेंसेस एंड मेक देम लेस साउंड रिपीटेटिव. यू नो, हम किसी भी चीज का रिपीटेशन, अगर मान लीजिए आपका नेम है सिया, फॉर एग्जाम्पल सिया इज द नेम ऑफ अ गर्ल. सो सिया इज अ गुड गर्ल, सिया'ज हैंड राइटिंग इज वेरी गुड, सिया इज ब्रिलियंट. तो यहाँ सेंटेंस में बार बार सिया का नाम लिया जा रहा है. इफ़ शी विल हियर इट देन शी विल गेट बोर्ड ऑफ हर नेम एंड सम डे विल कम दैट सिया विल थिंक वाई माई पेरेंट्स इज गिवन मी द नेम सिया, एवरी टाइम माई टीचर इज टेकिंग माई नेम एंड इट्स साउंड्स वेरी बोरिंग. सो टू ओवरकम दिस थिंग वी मेक यूज ऑफ प्रोनाउन. सो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर बिल्डिंग द ऑफिस. जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो ऑफिस बना रहे हैं, ये है पहला सेंटेंस. दूसरे सेंटेंस में दिया हुआ है द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस. ओके, देन थर्ड सेंटेंस में है द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स शुड फिनिश द प्रोजेक्ट इन नो टाइम. तो यहाँ ट्राइस रिपीट हुआ है, यानी थ्री टाइम्स रिपीट हुआ है कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है. तो इसके रिपीटेशन को हम ओवरकम कैसे करेंगे? बाय मेकिंग यूज ऑफ प्रोनाउन. तो पहले सेंटेंस में तो हम रहने देंगे बिकॉज इट्स द नेम
The construction workers are building the office. Okay. Then ये जो second sentence है, आप लोगों ने notice किया होगा, इस second sentence में हमने they का इस्तेमाल किया है. They का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर workers लिखा हुआ है and worker जो है वो है प्लूरल नाउन, यानी यहाँ बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं. तो हम प्लूरल नाउन की जहाँ बात आती है वहाँ हम दे का इस्तेमाल करते हैं. दे आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस. दे शुड फिनिश द प्रोजेक्ट इन नो टाइम. उनको अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा. ओके तो बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन लिस्ट हैं जिसे हम अपने डेली यूज में भी लाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, दे हुआ, वी हुआ, हुम हुआ, देन हूसोएवर, देन समथिंग, नोबडी एंड सो ऑन. आगे बढ़ेंगे. अब हम देखेंगे कि प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं. द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स शोज अस हाउ वी यूज प्रोनाउन इन सेंटेंसेस. वी लुक्ड फॉर ब्रिटनी एट हर हाउस. हमने ब्रिटनी को देखा उसके घर पर. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रिटनी इज द नेम ऑफ अ गर्ल, बट शी वॉजंट देयर. बट वो नहीं थी. तो जो ये शी है ना, शी वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे फीमेल के साथ. ओके, फीमेल कैटेगरी के साथ हम शी प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे. देन आई टुक माई कार टू द मैकेनिक टू गेट इट फिक्स्ड. यानी कि मेरा कार जो है वो खराब हो गया था एंड मैं उसे मैकेनिक के पास लेकर गई ताकि वो उस कार को सुधार सके, यानी कि उसमें जो भी परेशानी आई है उसे सॉल्व कर सके. तो यहाँ पर इफ़ आई टेल यू टू पॉइंट आउट व्हाट इज प्रोनाउन हियर, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि आई जो है वो प्रोनाउन है जो कि पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी कि मेरे लिए इस्तेमाल किया गया. और आई मीन्स एनी वन. सपोज दिस एग्जाम्पल इज गिवन बाई यू, देन राइट नाउ दिस पर्सन इज यू. और इट जो है, इट का इस्तेमाल किया गया है कार के लिए, यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग के लिए. ओके, सो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम मोस्ट प्रोबेबली इट का इस्तेमाल करते हैं. दिस प्रोनाउन इज यूज. देन दिस इज द बेस्ट बर्थडे एवर. यहाँ मैं आप लोगों को सिर्फ प्रोनाउन का एग्जाम्पल दे रही हूँ, कैटेगरी नहीं बता रही हूँ. अदरवाइज ये जो वी है, शी है, आई है, दिस है, समवन है, दिस ऑल कम्स अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन. यस, दिस इज द बेस्ट बर्थडे एवर. ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा जन्मदिन था. देन दिस इज द प्रोनाउन हियर. Someone donated $500 to our charity. किसी ने हमारे चैरिटी में $500 दिया है. And thinks that Muniz goes well with anything. Anything जो है ये है pronoun. So हमने यहाँ पर pronoun को point out किया. Next slide की तरफ जाएंगे हम. Types of pronoun. अब हम जानेंगे बच्चों कि आखिर कितने types of pronoun होते हैं. There are many different types of pronoun. वैसे देखा जाए तो pronoun बहुत तरीके के होते हैं. That we use in writing and speech. लिखते वक्त और बोलते वक्त हम बहुत सारे अनगिनत pronoun का इस्तेमाल करते हैं. We use lot of pronoun. For now, we will briefly look at each of these different types. अभी हम इन शॉर्ट पढ़ेंगे सिर्फ एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन के साथ में कि एक्चुअल में ये प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इट. सो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर ईच वन इन मोर डिटेल, वी हैव प्रोवाइडेड एक्सटेंसिव. मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊंगी पॉजिटिव प्रोनाउन इज द फर्स्ट प्रोनाउन. ओके, पर्सनल प्रोनाउन. देन थर्ड वन इज रिलेटिव प्रोनाउन. फोर्थ वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फिफ्थ वन इज इंडेफिनाइट प्रोनाउन. सिक्स्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सेवेंथ वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. एट्थ वन इज इंटेंसिव प्रोनाउन एंड नाइन्थ वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन. तो ये बहुत सारे प्रोनाउन हैं. अब वैसे अगर देखा जाए इन प्रोनाउन के बारे में तो हमें अभी बहुत बड़ा सा ऐसा पहाड़ नज़र आ रहा होगा दैट इतने सारे टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, हम इसे मेमोराइज कैसे करेंगे. तो बच्चों इन्हें मेमोराइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये हमारे डेली यूज में आते हैं. इफ़ यू विल वंस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग विल कम इनसाइड योर हेड. जितनी भी चीज़ें हैं आप अगर किसी चीज़ को समझ लेते हो तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती. तो यहाँ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगी. मैं चाहूँगी कि हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएँ एंड नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहला जो हमारा नाउन है वो है पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में हम बात करेंगे. यस, सो व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन.
The first one is possessive pronoun. A possessive pronoun is a pronoun that expresses possession, ownership, origin or relationship. तो बच्चों यहाँ पर जो हमने लंबा सा सेंटेंस पढ़ा है इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज़, सपोज आई विल ड्रॉ हेयर अ पेन, मैं यहाँ पर एक पेन ड्रॉ करूँगी. ये पेन जो है ये राम का है. दिस पेन बिलोंग्स टू राम और दिस पेन बिलोंग्स टू मी. और हम इसे दूसरे सेंटेंस में ये कह पाएंगे, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दिस पेन इज माइन. बहुत सारे तरीके हैं सेंटेंसेस को मॉडिफाई करने के, लिखने के, बट यहाँ पर ये जो पेन है ये हमें पॉजिशन को दिखा रहा है. यानी कि अ पॉजिटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस पॉजिशन, ओनरशिप, ओरिजिन और रिलेशनशिप विथ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल माइन, यानी कि ये टी शर्ट मेरा है. योर्स, दैट बाईसाइकिल इज योर्स. हिज, यानी कि ये उसका पेन है या ये उसका इरेजर है. हर्स, हर्स मीन्स इट वॉज हर्स बर्थडे, हम ये भी कह सकते हैं. आवर्स, देयर्स. तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. अ पॉजिटिव प्रोनाउन यूज इन सेंटेंसेस. अब हम इनका इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे करेंगे? दैट टॉय ऑन द शेल्फ इज माइन. यानी कि यहाँ पर एक शेल्फ है बच्चों, यहाँ पर एक टॉय है. सपोज टॉय के नाम पे टेडी बेयर है. टेडी बेयर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया. तो हम ये कह सकते हैं कि दैट टॉय ऑन द सेल्फ, यानी कि उस शेल्फ पे जो टॉय रखा हुआ है वो किसका है? वो मेरा है. सो मेरा यानी कि माइंड जो है प्रोनाउन यहाँ पर पॉजिशन को दर्शा रहा है, यानी कि वो यहाँ पर पॉजिटिवनेस को शोकेस कर रहा है. तो दैट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज नोन एज पॉजिटिव प्रोनाउन. दूसरा वाला एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे. ऑल ऑफ द हाउसेस इन आवर नेबरहुड लुक द सेम बट आवर्स इज द ओनली वन विथ अ सैटेलाइट डिश. यस, यानी कि इस सेंटेंस का मतलब है कि जितने भी घर हैं मेरे पड़ोस में, नेबरहुड यानी कि हमारे पड़ोस में, वो सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी ही घर के ऊपर सैटेलाइट डिश लगा हुआ है. तो ये जो है आवर्स, आवर्स हमें ये बताता है कि ये घर हमारा है. सो आवर्स शोज अस द पोजिशन, माइंड शोज अस द पोजिशन, योर्स, हिज, हर यानी उसका, आवर्स यानी हमारा. सो दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउन. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ, पर्सनल प्रोनाउन. अब हमारा सवाल है कि पर्सनल प्रोनाउन हम किन्हें कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट वी यूज टू रेफर टू पीपल एंड समटाइम्स एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल द प्रोनाउन इट, दे एंड देम कैन ऑल्सो अप्लाई टू ऑब्जेक्ट्स. इट, दे और देम का इस्तेमाल जो है इन्हें हम इंसानों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और इन्हें हम ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, शी, इट, वी, मी, अस, देम, ये जितने भी हैं ये एग्जाम्पल्स हैं पर्सनल प्रोनाउन के. ओके, पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड इन द सेंटेंस. अगर हम इनका इस्तेमाल सेंटेंस में करें तो हम ज़्यादातर कहते हैं ना, आई एम अफ्रेड ऑफ माइस. वैसे अगर पर्सनली मैं मेरी बात करूँ तो आई एम अफ्रेड ऑफ लिजार्ड. सीरियसली, अगर कहीं मेरे घर पर एक लिजार्ड मैं दीवार पर भी देख लूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ. सो वैसे ही हम सबके अंदर, किसी को एक्लोफोबिया होता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, वैसे ही हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से इस दुनिया में डर लगता है. तो हम यहाँ पर क्या दर्शा रहे हैं? हम यहाँ पर ये आई जो वर्ड है ना बच्चों, ये हमें ये बताता है कि ये एक पर्सनल प्रोनाउन है. यानी आई एम अफ्रेड ऑफ माइस. आई एम मीन्स दैट वी यूज टू रेफर टू पीपल, यानी हम एक इंसान है और अब हम अपने बारे में बता रहे हैं. एंड समटाइम्स एनिमल्स, हम किसी एनिमल के बारे में भी बताते हैं. द टोस्टर गेट्स रियली हॉट व्हेन इट हीट्स ब्रेड. जो टोस्टर है जिसपे हम ब्रेड को पकाते हैं वो कभी कभार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. तो ये जो टोस्टर है ये क्या है? इट्स द नेम ऑफ अ थिंग एंड इट रियली गेट्स हॉट. ओके, इट जो है यहाँ नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है. माई कैट्स आर फ्रेंडली सो यू कैन प्ले विद देम. मेरे जो कैट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं तो आप उनके साथ खेल सकते हो. तो यहाँ यू का भी इस्तेमाल हुआ है और आप देख सकते हैं यू का इस्तेमाल हुआ है, देम का इस्तेमाल हुआ है, जो ये बता रहा है कि वो पर्सन से रिलेटेड है, यानी कि किसी पर्सनल
पर्सन को रेफर कर रहे हैं। तो ये जितने भी हमारे डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं, आई, देम, यू, इट, ये आते हैं पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ, जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स डिपेंडेंट क्लॉजेस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब यहाँ हमारा सवाल है कि यहाँ डिपेंडेंट क्लॉजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को वो कैसे रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हु, हुम, विच, वॉट, That, ये जो है ये examples है relative pronoun के। अब relative pronoun की तरफ अगर देखा जाए तो हम उनका sentences में कैसे इस्तेमाल करेंगे। I need to find a person who can read Swedish, यानी Swedish जो पढ़ सकता है, मुझे ऐसे person की ज़रूरत है। तो ये जो है ये एक dependent clause है, यानी कि जो एक सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, उन दोनों क्लॉज को, यानी एक जो डिपेंडेंट, जो दूसरों पर, मतलब दूसरे क्लॉज पे निर्भर होता है, ऐसे क्लॉज जो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे निर्भर होते हैं, उनको ये कनेक्ट करता है, यानी उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है बच्चों, ये लिंक क्रिएट करता है किन के बीच में, डिपेंडेंट क्लॉज के बीच में और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू फाइंड, यहाँ आई ऑलरेडी एक प्रोनाउन है, आई को हम, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आई कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ विच प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। आई नीड टू फाइंड अ पर्सन, मुझे एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो, हु कैन रीड स्वेडिश। तो ये जो हु है, डब्ल्यू एच हु, ये आता है किसके कैटेगरी में, ये एक लिंक क्रिएट कर रहा है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ दो सेंटेंस है, आई नीड टू फाइंड अ पर्सन हु कैन रीड स्वेडिश। तो यहाँ पर ये जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट क्लॉज और सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज इंडिपेंडेंट, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है। कैन रीड स्वेडिश यानी कि वो स्वेडिश को पढ़ सकता है, लेकिन आई नीड टू फाइंड अ पर्सन, ये है एक डिपेंडेंट क्लॉज जिसे कनेक्ट कर रहा है कौन सा प्रोनाउन, डब्ल्यू एच ओ, यानी कि हु। सो हु कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज इट कनेक्ट्स डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाउ अब हम दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं, शी डजंट वॉन्ट टू ईट अ मील दैट इज टू स्पाइसी। तो यहाँ पर देखिए, शी डजंट वॉन्ट टू ईट अ मील, ये जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये जो है एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एंड इज टू स्पाइसी, ये एक सेकेंड क्लॉज है, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, बिकॉज स्पाइसी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसे वो मील नहीं खाना है जो बहुत स्पाइसी हो, दैट। तो यहाँ जो दैट है, देखो बच्चों, दैट जो है वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में भी आएगा, लेकिन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग अलग है। कैसे है? बिकॉज यहाँ जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ में जोड़ रहा है, यानी कि लिंक क्रिएट कर रहा है, दोनों के बीच में लिंक क्रिएट कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड दैट इज द प्रोनाउन, दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन विच इज रिलेटिंग और विच इज कनेक्टिंग द टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। दिस बुक विच एंड्स टू अ क्लिफ, ओके, दिस बुक विच एंड्स ऑन अ क्लिफ हैंगर इज रियली एक्साइटिंग, यानी कि वो जो बुक जो कि उस क्लिफ हैंगर पे मीन्स टंगा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो यहाँ पर विच जो है, विच जोड़ रहा है दो सेंटेंसेस को, सो दिस इज नोन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ में, और हम ये जानेंगे कि व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, रिलेटिव प्रोनाउन जिस तरीके से अलग है, वैसे ही आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी अलग है। इट्स अ प्रोनाउन यूज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब दैट रिफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया समझने में, अब मैं इसका एग्जाम्पल देके आप लोगों से बताती हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, माई, माइन, ये सब आ जाएगा पर्सनल, या फिर हम ये कह सकते हैं पोजिशन को दर्शाने वाला, बट माई के साथ में सेल्फ आ गया है। कौन सा फोर लेटर यहाँ पर इंसर्ट हो गया है? सेल्फ आ गया है। योर के साथ सेल्फ है, इट के साथ सेल्फ है, हर के साथ सेल्फ है, हिम के साथ सेल्फ है, आवर के साथ सेल्व्स है, देम के साथ सेल्व्स है, यानी कि ये ऊपर के जितने भी हैं ये हैं सिंगुलर प्रोनाउन, और नीचे के जितने भी हैं ये हैं प्लूरल प्रोनाउन। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरीके, क्या दर्शाता है हमें? कैन लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, कैन खुद को आईने में देख रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं, अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि अ प्रोनाउन यूज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब,
ओके, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट के तौर पे उसे यूज किया जा रहा है, दैट रेफर्स टू द सेम पर्सन, वो खुद को ही रेफर कर रहा है एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट देखा जाए तो एक ही है. कैन इज द नेम ऑफ अ पर्सन लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, वो खुद को मिरर में देख रहा है. तो हिमसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है. आई लाइक टू चेयर माई सेल्फ अप विद डेजर्ट्स, यानी कि मैं खुद को कैसे खुश करता हूँ, बहुत सारे डेजर्ट्स देके. डेजर्ट्स का मतलब मिठाई होती है बच्चों, डोंट गेट कन्फ्यूज विद दैट डेजर्ट. आप जो डेजर्ट के बारे में सोच रहे हो वो अलग डेजर्ट है, वो आपका दैट इज अ मडी एरिया. ओके, दैट इज अनदर डेजर्ट जो कि आप लोगों ने अपने सोशल साइंस की किताब में या बुक में, हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा डेजर्ट के बारे में, वो अलग डेजर्ट है, ये अलग डेजर्ट है. दिस डेजर्ट इज स्वीट, इस डेजर्ट का मतलब है स्वीट. जब भी मैं खुश होता हूँ, होता है ना बच्चों, जब हम खुश होते हैं या घर में किसी की एनिवर्सरी होती है, कोई भी ओकेजन होता है, सपोज आपका बर्थडे हुआ, तो आप लोग स्वीट्स देते हो खुद को एंड अपने फ्रेंड्स को भी स्वीट्स देते हो, सेलिब्रेट भी करते हो. सो यहाँ पर आई लाइक टू चीयर माई सेल्फ, तो ये जो माई सेल्फ है दिस इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. द सिली क्लाउन मेड फूल्स ऑफ देम सेल्फ, जो सिली क्लाउन है वो लोग खुद का ही मजाक उड़ा रहे हैं. होता है ना, जो जोकर्स होते हैं वो खुद का मजाक उड़ाते हैं, है ना, ताकि वो लोगों को हंसा सके. दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस जॉब. तो आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ में. इंटेंसिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? इंटेंसिव रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू एड एम्फोसिस. इंटेंसिव प्रोनाउन आर आइडेंटिकल, यानी कि सेम है, होते हैं अपीरियंस में टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन, इन दोनों प्रोनाउन की तरफ अगर हम देखें बच्चों, तो ये करीब करीब एक जैसे हैं. कैसे एक जैसे हैं? एग्जाम्पल देखते हैं. माई सेल्फ योर सेल्फ उसमें भी था एंड इसमें भी है. हर सेल्फ इज देयर इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो. हिमसेल्फ, इटसेल्फ, आवर सेल्फ एंड देम सेल्फ, ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम्पल्स सेम हैं. बिल्कुल, जो कि अभी अभी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ा था, सेम हम इंटेंसिव प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं, बट देर इज अ लिटल डिफरेंस जो कि हमें समझ आएगा इनके एग्जाम्पल्स को पढ़ के, सेंटेंसेस वाले एग्जाम्पल्स को. आई बिल्ट माई हाउस माई सेल्फ, मैंने अपना घर खुद ही बनाया है. तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ना, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट इज वेन वी रेफर टू द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू एड एम्फोसिस. किसी भी सेंटेंस में एक एम्फोसिस क्रिएट करने के लिए जब हम उसमें सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो हम उसे इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं. एंड इंटेंसिव प्रोनाउन आर आइडेंटिकल देन, यानी कि वो पूरा सेम होते हैं. इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम होते हैं. आई बिल्ट माई हाउस माई सेल्फ, देन द चिल्ड्रेन मेड द कुकीज देम सेल्फ, बच्चों ने अपने लिए कुकीज खुद ही बनाया है. ऑफन द स्ट्रेस ऑफ गिविंग अ स्पीच इज वर्स देन द स्पीच इटसेल्फ. यस, ये तो होता है बच्चों, जब आप लोगों का स्पीच कॉम्पिटिशन होता है आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हो, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से बोल पाओगे, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने में कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस हमारे अंदर आ जाता है. तो ये जो है यहाँ पर वर्ड, ऑफन द स्ट्रेस ऑफ गिविंग अ स्पीच इज वर्स देन द स्पीच इटसेल्फ. इटसेल्फ, देमसेल्फ, माईसेल्फ, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जितने भी प्रोनाउंस हैं, इन्हें हम कौन से प्रोनाउन की कैटेगरी में लेकर आएंगे? आइदर वी कैन कॉल देम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और वी कैन कॉल देम इंटेंसिव प्रोनाउन. आ गई बात समझ में? सो अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ में और जानेंगे कि इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होता है. तो बच्चों, इंडेफिनाइट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट डजंट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हु और व्हाट इट इज रेफरिंग टू. ये स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं करता है. कैसे? अब हम एग्जांपल की तरफ देखेंगे. सम यानी कुछ, समबडी यानी कोई, एनीवन यानी कि किसी को भी हम कह सकते हैं, एनीवन, एनीवेयर, नथिंग एंड एवरीबडी. तो ये जितने भी हैं ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत शॉर्ट में दिए गए हैं. अब हम इनको सेंटेंस में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ सेंटेंस प्रिपेयर किया है बच्चों, बिकॉज सेंटेंस इज़ वेरी मच नेसेसरी. अगर मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल बता दूँ, सम, समबडी, एनी वन, एनी वेयर, तो ये तो बहुत सारे मीन्स अलग प्रोनाउन से भी मिलते जुलते हैं, बाकी प्रोनाउन से भी मिलते जुलते हैं ना ये सम, बट देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस में उस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाते हैं. तो देखेंगे अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ. दिस नोट कुड हैव बीन रिटन बाय एनीबडी, ये जो नोट है ये किसी के द्वारा लिखा गया है. तो एनीबडी जो है, एनीबडी यहाँ पर
किस चीज को दर्शा रहा है, दैट डजंट स्पेसिफिकली, मैंने कहा ना इनडेफिनेट प्रोनाउन का जो डेफिनेशन है या फिर जो मीनिंग है वो हमें ये बताता है कि वो किसी चीज को स्पेसिफिक आइडेंटिटी प्रोवाइड नहीं करता है. मान लो आपने ये नोट लिखा हो, ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल में नोट की बात की गई है ये आपके द्वारा लिखा गया हो, लेकिन यहाँ पर आपका नाम मेंशन नहीं किया गया है, स्पेसिफिकली उस पर्सन का नेम मेंशन नहीं है, बस एक छोटा सा प्रोनाउन इन लोगों ने ऐड कर दिया है जो कि है एनीबडी. तो एनीबडी इस तरीके का, एनीबडी, समबडी, एनीवन, एनीवेयर, यू कैन गो टू एनी वेयर यू विश. हम कहते हैं ना, ज़्यादातर हम ये सेंटेंस कब कहते हैं, लाइक यू आर वेरी हैप्पी, तो आज तुम्हें जहाँ जाने का मन है तुम जा सकते हो, यस और नो? तो एनी वेयर मीन्स वेर एवर यू कुड विश, डेफिनेटली यू विल गो देयर. तो ये जो वर्ड है एनी वेयर, एनी वन, नथिंग, ये स्पेसिफिकली किसी पर्सन को मैंशन नहीं करता है. दैट इज वाई दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इनडेफिनाइट प्रोनाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम तरफ जाएंगे, दैट इज समवन एट माई लंच, यानी कि किसी ने मेरा लंच खा लिया. मुझे नहीं पता है उसका नाम, बट किसी ने खाया है. तो यहाँ जो समवन है ना बच्चों, समवन हमें ये बताता है कि स्पेसिफिकली हमें उस पर्सन का नाम नहीं पता है. तो फॉर एग्जाम्पल, आप आज एक नया पेंसिल लेकर के गए हो स्कूल में, ओके, एंड किसी ने आपका पेंसिल चुरा लिया. अब आपको तो पता नहीं है ना, ज़रूरी तो नहीं है कि हमें हमेशा ही, शी, ये सारे सिली प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स ही आते हों. अगर मान लो एक ऐसे पर्सन का नाम है जो कि आपको पता ही नहीं है, तो आप उसको किस तरीके से रेफर करोगे? आप तो आपको उस पर्सन का नेम ही नहीं पता है. मैंने आप लोगों को बताया ना कि जहाँ प्रोनाउन, जहाँ नाउन का काम खत्म होता है वहाँ प्रोनाउन का यूसेज शुरू होता है. तो यहाँ पर प्रोनाउन का यूज कैसे शुरू हुआ है बच्चों? समवन एट माई लंच, यानी कि अगर हमें किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना हो जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, बट फिर भी हम उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं वर्ड्स के ज़रिए, तो हम कुछ ऐसे प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे जो स्पेसिफिकली किसी के आइडेंटिटी को मेंशन ना करता हो, बट स्टिल वी कैन रेफर, स्टिल वी कैन एक्सप्रेस, स्टिल वी कैन टेक देयर नेम, नॉट स्पेसिफिकली बट अनस्पेसिफिकली. लाइक समवन, यानी किसी ने मेरा लंच खा लिया. द वाटर स्प्लैश्ड एवरीवेयर, यानी कि जो पानी है वो चारों तरफ बिखर चुका है. तो एवरीवेयर यानी कि हर जगह पे. तो ये जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं बच्चों हमारे मीन्स सेंटेंस को फ्रेम करने में, बिकॉज एवरी टाइम तो हम आप किसी का नाम नहीं ले सकते हो ना. कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका नाम नहीं होता है, और वहाँ हम सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, जिसको हम रिप्लेसिंग वर्ड कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं. राइट नाउ वी आर रीडिंग अबाउट इनडेफिनाइट प्रोनाउन. इनडेफिनाइट मीन्स इट डजंट स्पेसिफिकली मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन, बट अनस्पेसिफिकली, अनस्पेसिफिकली इट गिव्स द आइडेंटिटी बाय यूजिंग द एग्जाम्पल्स लाइक सम और समबडी, एनी वन, एनी वे, नथिंग, एवरीथिंग. ओके, ज़्यादातर ये आप लोगों के टेक्स्ट बुक्स में दिया नहीं होता है, बट मैं आप लोगों को यहाँ आप लोगों के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ. देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो आप इस चीज़ को लिंक कर सकते हो जब भी आप किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो. येस और नो? डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है इससे आपको पता चल गया होगा. फॉर एग्जाम्पल, योर टीचर हैज़ गिवन यू अ प्रोजेक्ट टू डिस्प्ले, तो आप अपने प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करोगे. तो कैसे डिस्प्ले करोगे? बाय पॉइंटिंग आउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट. यू विल डिस्प्ले योर प्रोजेक्ट, यू विल रिप्रेजेंट योर प्रोजेक्ट. तो उसी चीज़ को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज, पढ़ा है ना हमने बचपन में ही हमारे किताबों में होता है. लाइक यहाँ पर एक पेन बन, यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल टेबल बना हुआ रहता है. देन टेबल के मीन्स द थिंग्स विच आर नियर टू अस, उसे हम, उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं. जो चीज़ हमसे फार होता है ना, बचपन में आप लोगों को ये इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, जो चीज़ें पास होती है उसके लिए हम दिस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. प्रोनाउन भी नहीं, दिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. जो चीज़ें हमसे एक स्पेस में, यानी कि हमसे थोड़े दूरी पर होती है, वहाँ पर हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, दैट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. तो आज वो टाइम आ गया है कि आप लोग स्पेसिफिकली ये समझ लो कि वो ये जो दिस और दैट है ना बच्चों, इन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, और एग्जैक्टली ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है. तो अब हम इन्हें सेंटेंसेस के साथ यूज़ करेंगे.
दिस इज माई फेवरेट शर्ट, यानी कि ये मेरा फेवरेट शर्ट है. तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए प्यारा सा शर्ट ड्रॉ कर देती हूँ. दिस इज माई फेवरेट शर्ट. तो ये जो है वर्ड दिस, ये किसे पॉइंट आउट कर रहा है? शर्ट को पॉइंट आउट कर रहा है. तो इट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट शर्ट. आई डोंट नो वॉट दैट इज, बट इट डेफिनेटली इजंट फ्रेंडली. मुझे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन ये फ्रेंडली तो नहीं था. हो सकता है कोई नेचर हो सकता है कोई चीज हो, है ना. तो ये जो दैट है बच्चों, ये दैट आता है किसके कैटेगरी में? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में, डेमोन्स्ट्रेटिव. आई नीड यू टू फिक्स दीज, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब चीज़ों को सही कर दो. तो ये जो दीज है, ये भी आता है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में, क्योंकि ज़्यादातर हम डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त ही दिस, दैट, दीज, इन सारे वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं. देन हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन. मैंने आप लोगों से कहा था ना बच्चों, सारे प्रोनाउन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम अगर मान लो आप लोग उसका कॉन्सेप्ट समझ गए हो, एग्जांपल समझ गए हो, देन इजीली यू कैन से. अगर मैं आप लोगों से अभी भी पूछ लूँ कि ये जो माइन है, माइन ये किस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है, पॉजिशन को दर्शाता है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन के अंडर मीन्स कैटेगरी में आ गया. बिकॉज होता है CBSE के या फिर ICSE के बुक्स में, टेक्स्ट बुक में आपको ज़्यादातर डू एज डायरेक्टेड टाइप्स क्वेश्चन मिलेंगे. वहाँ आप लोगों से एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है दैट डू एज डायरेक्टेड, यानी कि इस निर्धारित तरीके से इसका उत्तर दीजिए. तो उस निर्धारित तरीके से आप उसका उत्तर कैसे दोगे? बाय रीडिंग द सेंटेंस. यू हैव टू पॉइंट आउट, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ प्रोनाउन इज दिस, और जस्ट अंडरलाइन द प्रोनाउन. दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इज कमिंग. ओके, सो आई नीड यू टू फिक्स दीज. तो ये जो दीज, दैट, दिस, दोज, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जितने भी प्रोनाउन हैं, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में आता है. आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ में. यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम किन्हें बोलते हैं. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव इट्सेल्फ इज अ क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं ना बच्चों, जैसे सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, एजर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे हम क्या करते हैं, इंट्रोगेट करते हैं. इंट्रोगेट आप लोगों ने ज़्यादातर CID देखा होगा, जब CID के में मीन्स आपका इंट्रोगेशन चलता है, तो वो लोग बहुत सारे क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं. एग्जैक्टली, तो उस एग्जांपल से आप लोग इजीली रिलेट कर सकते हो. इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना. ओके, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अननोन पीपल और थिंग्स, यानी जिस चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है, जिन चीज़ों के बारे में या फिर जिन लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में जानने के लिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है. बिकॉज अगर हमें क्रिमिनल का पता नहीं चलेगा, देन हम उसे लॉकअप में कैसे डालेंगे, है कि नहीं? ओके, सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखा जाए तो हु, WH, ज़्यादातर आपके WH फॉर्म ही यूज होंगे, बिकॉज WH हु, होम, वॉट, विच, हुज, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये एक क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, ये तो मैंने वर्ड्स में बता दिया, अब हम जानेंगे इन्हें सेंटेंस में यूज़ करके. हु रोड दिस लेटर, यानी कि ये खत, ये पत्र किसने लिखा है? तो ये जो हु है, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल की कैटेगरी में आता है. देन वॉट, देन विच, वॉट इज एन एम्फीबियन? आपके टीचर्स आपसे पूछते हैं ना, योर साइंस टीचर Always she asks you the question that what is an amphibian after completing the chapter. So you are answering the question. Yes or no? So this what comes under the category of interrogative pronoun. English is ऐसा subject है जिसका इस्तेमाल आपके बाकी सारे subjects में होता है. Then which is the correct answer? यानी कि इनमें से correct answer क्या है? ज़्यादातर अभी खास करके हमारे इस pandemic situation में तो आप लोगों ने इसी तरीके के question को answer किया है. Which is the correct answer? आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया जाता था ऑब्जेक्टिव टाइप में, एंड आप लोग उसमें से एक करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करते थे. तो ये जो विच है ना बच्चों, ये हमें मदद करता है क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, WH वर्ड्स, WH हु, WHAT वॉट, देन विच, दिस ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है अब हम जानेंगे. रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सप्रेसेस म्यूचुअल रिलेशनशिप्स और एक्शन.
म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शंस का मतलब क्या होता है। जैसे हम कहते हैं ना, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर आपको मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन का दूँ, देन जस्ट डोंट लुक एट द डेफिनेशन, जस्ट लुक एट द पर्सन और लुक एट द फ्रेंड विथ होम यू आर टॉकिंग और यू आर चैटिंग द होल डे। यस और नो? आप जाते हो, फॉर एग्जाम्पल सीता एंड गीता, दे बोथ आर क्लोज टू ईच अदर, दे आर बेस्ट फ्रेंड। वो दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड है, उन्हें पता है, वो दोनों साथ में बैठेंगी एंड दे विल डू द गपशप, दे विल डू द गॉसिप्स। यस और नो? तो यहाँ पर जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है हमें ये बताता है कि रिलेशन एक दूसरे के बीच में कैसा है, या फिर एक्सप्रेसेस द म्यूचुअल रिलेशनशिप्स और एक्शंस, दो लोगों के बीच के एक्शंस को दर्शाता है। ईच अदर, राम एंड श्याम आर टॉकिंग विद ईच अदर, ओके, एंड सीता एंड गीता आर प्लेइंग विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। यस और नो? वैसे ही अगर हमें ये सेंटेंस में इस्तेमाल करना चाहें, माई सिस्टर एंड आई लव ईच अदर, यस, हमें अपने सिबलिंग से प्यार होता है कि नहीं? दे आर वेरी मीन्स दे आर वेरी 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 मच क्लोज टू अस। तो हम ये कह सकते हैं, माई सिस्टर एंड आई लव ईच अदर, द मेम्बर्स ऑफ द टीम सपोर्ट वन अनादर। डेफिनेटली अगर आप किसी टीम के मेम्बर हो तो आपके मेम्बर्स आपको सपोर्ट करेंगे ही, दे मस्ट, दे शुड सपोर्ट वन अनादर। देन द टू फिशरमैन लव टू कम्पीट विथ ईच अदर, ये जो दो यहाँ फिशरमैन है ना, इन दोनों को एक दूसरे के साथ में कम्पीट करने में बड़ा ही मज़ा आता है। बिकॉज अगर लाइफ में कंपटीशन ना हो तो फिर लाइफ में मज़ा ही नहीं होगा, लाइफ विल बी वेरी मच बोरिंग। यस और नो? लाइफ बोरिंग हो जाएगा अगर कंपटीशन नहीं होगा, देन हु इज़ गोइंग टू वर्क हार्ड, हु इज़ गोइंग टू अचीव एनीथिंग? नो वन, ओके। तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, ईच अदर, वन अनादर, देन यस वन अनादर, ईच अदर, दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देन सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। सिंगुलर प्रोनाउन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिफर्स टू अ सिंगल पर्सन और थिंग, एक सिंगल पर्सन या फिर थिंग का जब हम बात करते हैं तो वो होता है लाइक सिंगुलर नाउन। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था ना, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, वाइफ का वाइव्स, वैसे ही यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो भी इसी तरीके से होते हैं। जैसे कि आई, सिंगुलर नाउन में हम देख सकते हैं आई, ही, शी, इट, दिस, समवन, ये आप लोगों का मिक्सडअप करके दिया हुआ है। वैसे तो इनका कैटेगरी अलग है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ अभी मैं डिस्कस किया है, इनका कैटेगरी अलग है। समथिंग जो है ये एक अलग कैटेगरी में आएगा, एनीवन जो कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था रिफ्लेक्सिव के कैटेगरी में आता है, देन नोबडी, देन समवन, दीज ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंगुलर प्रोनाउन। बट वॉट इज द means singular pronoun used in sentence, how they are used in a sentence? Melanie is so good at movie trivia that she never gets a single question wrong. उसे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका जो फेवरेट मूवी है, मेलानी का फेवरेट मूवी वो है ट्राइविया, एंड उसके बारे में, मूवी के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट एनी क्वेश्चन रॉन्ग, शी इज़ ऑलवेज करेक्ट इफ यू विल आस्क हर एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट मूवी। ओके, somebody is standing next to the door, कोई है जो कि डोर के पास में खड़ा है। तो ये है आपका सिंगुलर प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? प्लूरल प्रोनाउन्स रेफर टू द मल्टीपल पीपल और थिंग्स, यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच का रिलेशन जो दर्शाता है, या फिर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आते हैं किनके कैटेगरी में? बहुत सारी चीज़ जो होती हैं वो आती हैं आपके प्लूरल प्रोनाउन के कैटेगरी में। एग्जाम्पल है वी, आई जो है वो वी में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होता है ना बच्चों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर आप लोगों को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में नहीं पता है, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, एंड आफ्टर मींस वाचिंग दैट वीडियो योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर ऑन द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वर्ब एंड एवरीथिंग। ओके, स्लोली वी विल प्रोसीड। देन प्लूरल प्रोनाउन अगर हम सेंटेंस में यूज़ किया जाए, देन विल सी दैट वी गो टू द जिम एवरी डे, हम रोज जिम जाते हैं। ऑफकोर्स जाना भी चाहिए, इट हेल्प अस स्टे फिट एंड हेल्दी। दीज पेंटिंग्स आरेंट ओल्ड एज दोज आर, उन पेंटिंग्स के मुकाबले ये जो पेंटिंग्स हैं उतने ज़्यादा ओल्ड नहीं हैं। सेवरल ऑफ द डक्स नो दैट चिल्ड्रन लाइक टू फीड देम ब्रेड, बहुत सारे डक्स को ये पता है, सेवरल हुआ, देम हुआ, ठीक है, ये जितने भी हैं ये सारे प्लूरल प्रोनाउन हैं।
तो इन्हें हम कहेंगे दे ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लूरल प्रोनाउन. सेवरल ऑफ द डक्स नोज दैट. बहुत सारे डक्स को पता रहता है कि अभी छोटे छोटे बच्चे आएंगे पार्क में एंड उन्हें एक ब्रेड का स्लाइस देंगे. ओके, सो देम हुआ, दोज हुआ, आवर सेल्फ्स हुआ, देम सेल्फ्स हुआ, सेवरल हुआ, अदर्स हुआ, मेनी हुआ, जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को दर्शाता है उन्हें हम प्लूरल नाउन के कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे. सो आज हमने इस पूरे वाइड कॉन्सेप्ट को कवर किया है दैट व्हाट इज प्रोनाउन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन. What are the different types of pronoun is the most important thing because आप लोगों का जब question आता है exam में तो वो direct नहीं आता है कि what is a pronoun. अगर यही चीज़ पूछ लिया जाता then it was so easy. So आप लोगों को ये अलग अलग जितने भी categories हैं इनको थोड़ा सा रिवाइज करना है, अपने ध्यान में लाना है, examples देख लो, समझ लो, video देख लो, twice or thrice you will understand each and every concept clearly. And if you are having any doubt in any of the means particular subject or particular category like what is reflexive pronoun, ma'am, please give us more information. Then I'll make a separate video on that. Don't worry. Okay? तो आज के लिए इतना ही. And अभी हम अपने वीडियो को एंड करेंगे. And आशा करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे वर्कशीट को सॉल्व करेंगे. मींस होता है ना, इफ़ यू नो, सपोज आपने एक कार खरीदा एंड यू नो हाउ टू, यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार. आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको सिखा दिया, यानी अभी तक आपके सिर्फ इंस्ट्रक्टर ने आपको सिखाया है कि कार को कैसे ड्राइव करना है. लेकिन जब तक आप खुद कार को ड्राइव नहीं करोगे यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग. तो उसी तरीके से हमारा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश, वो भी कुछ ऐसा ही है. इंग्लिश और मैथ्स ये दो सब्जेक्ट बच्चों ऐसा है, जब तक आप इस चीज़ का अभ्यास नहीं करोगे या इस चीज़ को रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करोगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारे दिमाग से बाहर निकल जाते हैं. तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट्स करेंगे ताकि मुझे भी ये पता चल सके दैट हाउ मच यू हैव लर्न्ड. एंड आपको भी ये, आप भी अपने आप से ये एक कहते हैं ना, आप भी विश्लेषण कर पाओगे, अपने आप को एसेस कर पाओगे दैट हाउ फार यू कुड अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स एंड हाउ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर्ड, हाउ मच इट इज क्लियर्ड, यस और नो. सो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगी एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्कशीट वीडियो पे. तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.